7 सितंबर 2017 का पूरी। अब हमको ठीक 2-3 दिनों से बुखार था, 4 दिनों से कमजोरी है। तो आशीषानंद हमारे शिष्य ने एक रिक्शा भेजा, उसके बाद में भुवन सिंह भी आ गए। हमने कहा भैया पहले फ़ोन किए होते तो इसको काहे हम बोला थे। तो मैं रिक्शे पर अभी बैठ करके मैं बंदर घोष के लिए रवाना हो रहा हूँ, और मैं यही दुनिया से कहना चाहता हूँ कि अरे हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के लोगों, हमें सामान भेजो, पैसे मत भेजो, क्यों कानून बहुत बदल चुका है। कानून गरीब और साधारण लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं। लेकिन मोदी में थोड़ी सख्ती है, इसीलिए आप हम एक नौकर रखना चाहते हैं। बताया कमजोरी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे पास भाई अच्छी खासी आप लोग उस नौकर हो को पैसा भेजो और बढ़िया हम हलो हलो में काम कर रहा हूँ। फिर रायबनी में ऐसे तो हम एक जानवर लाए तो हम उसी में डूबते हैं उतर आते हैं, और ऐसे में तो कई जानवर जो हैं वो हम शहर में अगर आदमी होगा तो उसे कहें जाओ भाई शहर में ढूंढो जाके, अभी शहर में ढूंढा जाए तो कहा 2-3 जानवर आपको पड़े मिलेंगे। हम कहते कहते ठिकाते ठिकाते समाज को हम हार गए। क्या मंदिर जाने वालों ने कभी ये काम किया? कभी धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम को किया? नहीं किया, और सब भोग रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। तो मैं बंदर भोज के लिए रवाना हो रहा हूँ, गोयन जी भी वहीं अभी आ रहे हैं। नहीं हम जितने ना आ गए तो बोला तो नहीं हमारा आपके पास चला गया, आइए तुम आ गया आओ घुमाओ हम बैठ गए। कौन सा झोला? कोई झोला बंदर खिलाने वाला एक चेत कबरा सा था एक। हाँ एक है, है? हाँ वही हम ढूंढ रहे थे ये। हाँ हाँ ये वाला, हाँ यही ये क्योंकि घर का झोला है। अब श्रीमती जी कहीं कहाँ जा रही है कहाँ, आप जानते हैं बम बड़ा ना। हाँ भैया अब तुम चलो आ रहा, तुम्हारा आ गया तो आ गया ये ले ये मेरे।